बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और मंच पर बैठे सभी सम्मानित लोगों को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। पहले एक मतलब एक शेर से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। मैं एक छोटा सा अंतर बताने की कोशिश करता हूँ जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए हैं उनके और हमारे बीच में। क्या बात है। मैं वाह मैं एक मतलब एक शेर आपके बीच में रखता हूँ कि उन्हें पैसा उन्हें पैसा उन्हें रुतबा हमें ईमान दिखता है। उन्हें 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 पैसा उन्हें पैसा उन्हें रुतबा हमें ईमान दिखता है। उन्हें हर शख्स में मजहब हमें इंसान दिखता है। क्या बात है। उन्हें 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 हर शख्स में मजहब हमें हमें इंसान दिखता है और उन देशद्रोहियों और हम में बस इतना सा अंतर है उन्हें हिंदू मुसलमान और हमें हिंदुस्तान दिखता है। उन्हें हिंदू हिंदू मुसलमान हमें हिंदुस्तान दिखता है। उन्हें हिंदू मुसलमान और हमें हिंदुस्तान दिखता है। मैं चार पंक्तियां आपके बीच में और रखता हूँ। एक मतलब एक शेर। हमें हम नौजवानों को कहा जाने लगा कि हम मोबाइल की कठपुतली बनकर रह गए हैं। मैं तब चार मिसरे आपके बीच में रखता हूं कि हमारी आन जिंदा है हमारी आन जिंदा है हमारी शान जिंदा है हमारी आन जिंदा है हमारी शान जिंदा है। हमें जो चाहिए था वो हमारा अभिमान जिंदा है। हमें जो चाहिए था वो हमारा अभिमान जिंदा है। और कौन कहता है कि भटके हुए हैं नौजवान सारे और कौन कहता है कि भटके हुए हैं नौजवान सारे। यहाँ नन्हे बच्चों की आंखों तक में हिंदुस्तान जिंदा है। यहाँ यहाँ नन्हे बच्चे यहाँ नन्हे बच्चों की आंखों यहाँ नन्हे बच्चों की आंखों में हिंदुस्तान जिंदा है। वाह बहुत अच्छी पंक्तियां बहुत बड़ी पंक्तियां आपने कही बहुत खूब। एक बार जोरदार तालियों से आप आगाज कीजिए छोटे से नन्हे से कवि का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं एक गजल के चंद अशार और रखता हूँ आपके बीच में और फिर एक कविता मुख्य जो आज के लिए मैंने चुनी थी वो सुना करके मैं खत्म करता हूँ। के अब वो आम के बागान अब वो आम के बागान और अब वो अटखेलियां नहीं होती अब वो आम के बागान और अब वो अटखेलियां नहीं होती। मेरे गांव में अब पहले जैसी गर्मियां नहीं होती। मेरे गांव में अब पहले जैसी मेरे गांव में अब पहले जैसी गर्मियां नहीं होती। और खुले में अक्सर आकर सड़कों पे सोते हैं और खुले में अक्सर सड़कों आकर सड़कों पे रोते हैं। मुफलिसों की खातिर यार सर्दियां नहीं होती मुफलिसों की खातिर यार सर्दियां नहीं होती। और मैं सीधा सीधा एक मुख्य कविता पर आता हूँ खत्म करता हूँ समय बहुत कम है हमारे पास। मैं एक वीरस की कविता शहीदों को याद करते हुए पढ़ता हूँ जो पुलवामा हमला हुआ तो मैंने कुछ पंक्तियां आक्रोश में आकर के लिखी और उसके बाद जब हमारे बेटे हमारे देश के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक करके आए तो मैंने उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखी। मैं वो आपके बीच में रखता हूँ और खत्म करता हूँ कि मौन नहीं रखना आपकी कि मौन नहीं रखना आपकी के धैर्य नहीं रखना आपकी मौन नहीं रखना आपकी के धैर्य नहीं रखना आपकी। वीरों की शहादत के बदले में भूगोल बदल देना आपकी वीरों की शहादत के बदले में भूगोल बदल देना आपकी। और जो भारत पर आग उठाए और जो भारत पर आग उठाए उसको चीर के रख देना आपकी। और कश्मीर कश्मीर रटने वालों से लाहौर भी ले लेना और कश्मीर और कश्मीर कश्मीर रटने वालों से लाहौर भी ले लेना आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत बहुत धन्यवाद आलोक भाई हिमांशु भाई। मैं अगली पंक्तियां पढ़ता हूँ जब हमारे देश के बेटे सर्जिकल स्ट्राइक करके आए सरहद पार तो मैंने उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखी वो आपके बीच में रखता हूँ और खत्म करता हूँ। मुझे तालियों के साथ विदा करिएगा आप लोगों से उम्मीद है मैं रखता हूँ कि जो सरहद पर खड़े हुए हैं वीर सुपट अभिमानी जो सरहद पर खड़े हुए हैं वीर सुपट अभिमानी जिनको खुद सरहाती है रणचंडी और भवानी जिनको खुद सरहाती है रणचंडी और भवानी जिनके गर्म खून के छीटे शौर की गाथा कहते हैं जो इतिहास नहीं अक्सर भूगोल को बदला करते हैं जो जवानी दार पे रखकर दुश्मन से लड़ जाते हैं कठिनाई कितनी भी हो भारत माता का कर्ज चुकाते हैं। उन वीरों ने फिर से इस धरती का कर्ज चुकाया है भारत माँ के गद्दारों को उनके घर में घर में घर में घुस के मारा है। भारत क्या बात है भारत माँ के गद्दारों को घर में घुसकर मारा है। वाह 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 भारत माँ के गद्दारों को भारत माँ के गद्दारों को उनके घर में घुस के मारा है। और एक और शहीदों के सम्मान में हमारे पुराने जो वीर रहे वीर सपूत रहे उनके सम्मान में कविता एक पढ़ के खत्म करता हूँ मैं अपनी काव्य यात्रा के भगत सिंह की कुर्बानी लिख दूं
भगत सिंह की कुर्बानी लिख दूं, बूढ़े जफर की जवानी लिख दूं, या लिख दूं अटल के अटल इरादों को, या कलाम का सपना लिख दूं। मैं लिखूं अहिंसा गांधी की, या लिख दूं इंदिरा की प्रतिभा। मैं लिखूं अहिंसा गांधी की, या लिख दूं इंदिरा की प्रतिभा, या लिख दूं चंद्र की आजादी को, या चंद्र वरदाई का छंद लिखूं। मैं लिखूं वाणी दिनकर की कबीर लिखूं, रसखान लिखूं, या मीरा का प्रेम लिखूं। मैं लता लिखूं, अरुणिमा लिखूं, सीता लिखूं, या झांसी की रानी लिख दूं। मैं शौर्य लिखूं, संघर्ष लिखूं, संस्कार लिखूं, या गंगा की बहती धार लिखूं, या यमुना की रसधार लिखूं, या लिखूं चित्रकूट वाला पर्वत, या लिखूं चित्रकूट वाला पर्वत, या सबरी के झूठे बेर लिखूं। मैं राम लिखूं, रहमान लिखूं, हिंदू या मुसलमान लिखूं, या इन सबके बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान, या इन सबके बदले में मैं खाली 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 हिंदुस्तान लिखूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।